हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मूंग की दाल की गोलियों की सब्जी। आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मियों में केवल लौकी, तरोई, परवल, भिंडी, बैगन, यही कुछ गिनी चुनी सब्जियां आती हैं जो कि खाते खाते हम और बच्चे सभी बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया बनाते हैं। और नए बनाने के लिए ये जो सब्जी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मूंग की दाल का यूज़ हुआ है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आइए देखें हमें इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने 2 कटोरी मूंग की दाल ली है और इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। ये फूल गई है और अब इसका पानी ड्रेन कर दिया है। मूंग की दाल के साथ हम 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्च पीसेंगे। ये मसाले के लिए हमने लिया है 2 प्याज, थोड़ा लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक और 2 टमाटर। ये हम मसाले में पिस करके डालेंगे। थोड़े सूखे मसाले लेंगे, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये है जीरा पाउडर, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी ग्रेवी को एक अच्छा कलर मिलेगा। हम अपनी मूंग की दाल को धो लेंगे अच्छी तरीके से, पानी ड्रेन करके एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। मैंने ये नॉनस्टिक कढ़ाई ली है इसीलिए मैंने इसमें कोई तेल का यूज नहीं किया है और डायरेक्ट पिसा हुआ जो पेस्ट है मूंग की दाल का उसको डाल दिया है। अगर आप कोई लोहे की या कोई और मेटल की कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच तेल जरूर डालें। अब इस बची हुई मूंग की दाल में हमने जो अदरक रखी थी वो लहसुन और हरा मिर्चा डाल करके भी पिस लिया है और इस पेस्ट को भी हम इसी में डाल देंगे। डालने के बाद धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए हम इसको भुनेंगे। हम अपने इस पेस्ट में हल्दी और नमक भी डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हल्दी 2 कटोरी में हमने 1/2 चम्मच हल्दी का डाला है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। ये सारी चीजें डाल करके हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। इसको हमें लगातार इसलिए चलाना है कि ये नीचे से जले नहीं और दूसरा इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना पड़े। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से पकड़ लेगा और इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी जो कि फिर उस आपको जब आप इसकी बॉल्स बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इसको लगातार चलाते हुए धीमी आँच पे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से एक आटे की तरीके से फॉर्म नहीं हो जाए। सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी एक दूसरे में और ये बिल्कुल एक सॉफ्ट डो की तरीके से, एक सॉफ्ट आटे की तरीके से तैयार हो जाएगा। ये काम हमको धीमी आंच पे ही करना है और लगातार चलाते हुए करना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप इसको किसी और मेटल की कढ़ाई में बना रहे हैं तो प्लीज इसमें 1 से 2 चम्मच तेल जरूर डालिएगा और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी आप अपने इस पेस्ट को डालिएगा। मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई थी तो उसमें से ये अपने आप से अच्छी तरीके से छूट जा रहा था। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अब भुन करके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हल्का सा गीला रहेगा तभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। और अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा सुखा दिया तो हमारी गोलियाँ टूटने लग जाएंगी, अच्छी चिकनी गोलियाँ हम नहीं बना पाएंगे। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे पेस्ट की होनी चाहिए। इसको अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू और कलर आता है। अगर आप सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं तो आप इस सब्जी को रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छे धुएं लायक गर्म हो जाए बस इसका ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल आपका बहुत अच्छा गर्म हो। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हींग का डाल करके थोड़ा सा चिटकने तक हम इसको पकने देंगे। जीरा जब थोड़ा सा भूरे रंग का हो जाएगा तब हम इसमें जो 2 प्याज लहसुन और अदरक लिया था उसको हम लोग इस पिस लेंगे। पिस करके एक बारीक पेस्ट बनाएंगे और इस गरम तेल में हम डाल देंगे। इसी मसाले के साथ हम नमक, धनिया पाउडर,
और हल्दी, ये तीनों चीजें भी डाल देंगे। हल्दी हमने इसमें, नमक स्वाद के अनुसार रखिएगा, नमक डालते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि हमने अपनी मूंग की दाल में भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए सिर्फ ग्रेवी में जितना नमक जाएगा सिर्फ उतना ही नमक हम इसमें डालेंगे, नहीं तो नमक हमारा बहुत तेज हो जाएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी अच्छी और थिक बने। ये तीनों चीजें डाल करके और इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, गर्मियों का मौसम है इसलिए मिर्ची थोड़ी तीखी और तेज लगने लग जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे जिससे कि सब चीजें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए, और आंच को धीमे रखते हुए जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दें तब तक हम इसको भुनेंगे। जब तक ये भुन रहा है तब तक हम अपनी मूंग की दाल की गोलियां तैयार कर लेंगे क्योंकि हमारा पेस्ट अब ठंडा हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सॉलिड हो गया है ठंडा होने के बाद। अब हम इसको अच्छी तरह से मलते हुए, चिकना करते हुए हम अपनी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। जितने बड़े बेसन के लड्डू का साइज हम बनाते हैं उसी तरीके से हमें उतनी छोटी गोलियां तैयार करनी है। अगर आपका आटा इस टाइम जो मूंग की दाल का पेस्ट हमने तैयार किया है वो चिकना ना हो तो उसको हाथ पे, हथेलियों पे कायदे से रब करते हुए चिकनी गोलियां तैयार कर लीजिए। गोलियों में दरार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटने लग जाएंगी या रस्से में जाकर के भी टूट सकती हैं। इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से, अगर आपका इसमें कोई भी गुठलियां दिख रही हो या ये रफ लग रहा हो तो हथेली पे अच्छी तरीके से देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मलते हुए चिकनी गोलियां तैयार कर लीजिए। सारे आटे की जब जो हमने पेस्ट्री तैयार किया है इसकी गोलियां तैयार हो जाएंगी तब हम इसको फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। देखिए हमारा तेल ये छोड़ दिया है मसाला। अब हमने जो 2 टमाटर लिए थे उसको भी पिस लिया है, मैंने बहुत बारीक नहीं पिसा है, आप अपने हिसाब से इसको पिस सकते हैं। इसको भी हम इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पे फिर इसको पकने देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला 1 चम्मच के करीब आप डालिएगा। गरम मसाला डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने रखी हुई है वो हम डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारी जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसलिए मैं ये अपनी सब्जियों में ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर दे देता है और इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता है। ये दोनों ही चीज़ें डालने के बाद आप मसाले में अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिएगा और धीमी आंच पे इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए। अब हम अपनी जो मूंग की दाल की गोलियां हमने तैयार की हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं सुनहरा होने तक। एक पैन चढ़ाएंगे, जब पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल से सब्जी में और बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम 1 चुटकी हींग की डालेंगे और तेल में मिलाते हुए जो बॉल्स हमने तैयार की हैं उनको हम इसमें डाल देंगे और सुनहरा होने तक भून लेंगे। लगातार थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे कि एक साइड से बहुत ज़्यादा पक ना जाए या जल ना जाए। ये आप धीमी आंच पे ही करिएगा, नहीं तो हमारी बॉल्स जल जाएंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए हमारा मसाला पूरा तैयार हो चुका है, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी का डालेंगे। ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखेंगे क्योंकि जब हम इसमें मूंग की दाल की बॉल्स जो हमने बनाई है वो डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो ग्रेवी है उसको एब्जॉर्ब करती है मूंग की दाल, इसलिए हम इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखेंगे। देखिए ये हमारी मूंग की दाल की बॉल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से भुन रही हैं
और हमारा जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो भी हमारी बिल्कुल बॉयल होकर के पक चुकी है, कलर बहुत अच्छा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर हम अपने इसमें जो भुनी हुई फ्राई की हुई हमने मूंग की दाल की बॉल्स रखी हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये सारा काम आप मीडियम आंच पे करिएगा, बहुत तेज आंच पे नहीं करिएगा, नहीं तो सब्जी का कलर अच्छा नहीं आएगा। हल्के हाथ से मिलाइए और धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाइए और लीजिए हमारी सब्जी मूंग की दाल की सब्जियां सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक सर्विंग बोल में निकालेंगे, थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल देंगे या ऊपर से डाल दीजिएगा आप। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और कितनी झटपट आसान से और जल्दी से तैयार हो गई है। ये सब्जी आप रोटी चावल पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर में सर्व करिए। कोई मेहमान आ जाए और आपके पास अच्छी सब्जी ना हो बनाने के लिए तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये सबको बहुत पसंद आती है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी सब्जी में, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू।